शिक्षण स्थान शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। स्कूल कोल शिक्षण स्थान शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर जो भी है उनको खोले जाए और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर वैक्सीन लगा दी और दूसरी तरफ हमारी ये सोरा भी कोल जो स्कूल यूनिवर्सिटी बंद कर शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा स्टूडेंट यूनियन जब पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि जो शिक्षण स्थान है हमारी मूलभूत मांग है, जो इनको शिक्षण स्थान शुरू करने चाहिए। 26 तारीख तक सरकार ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है, अगर उससे आगे बढ़ा दी जाती थी तो क्या, अगर सरकार, अगर उसके बाद जो हमारी मांग ना पूरी की गई तो पूरे हरियाणा के अंदर आज वैसे तो 20 तारीख को हिसार के अंदर क्रांतिवन पार्क के अंदर बहुत बड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके ही साथ हमने आज रतिया में रखा है। अगर 26 तारीख के बाद हमारी जो मांग पूरी नहीं की जाती, कोचिंग सेंटर शिक्षण स्थान शुरू नहीं किए जाते, तो उसके बाद हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, गाँव से लेकर शहरों तक प्रदर्शन करेंगे। ठेके ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, सरकारी ऑफिस हो, और इनके खुद के नेता जो बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं गांव गांव में जाकर, और शराब के ठेके शुरू किए हुए हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, क्या शिक्षण संस्थानों के अंदर ही कोरोना आ रहा है? ये सवाल हरियाणा सरकार से है। अगर आप शिक्षण संस्थान शुरू करना चाहते हैं तो कुछ गाइडलाइन लगा दो, दो शिफ्टों के अंदर कॉल शुरू कर दो और नियम बना दो, जो नियम को फॉलो कर कोचिंग सेंटर जैसे संस्थान शुरू किए जा सके। आज जो रतिया के अंदर नारेबाजी की गई है, जो सरकार हरियाणा सरकार ने जो 26 तारीख तक हरियाणा के अंदर शिक्षा संस्थान बंद करने का फैसला किया है कोरोना के नाम के ऊपर, जो सरकार इतनी घटिया और निकम्मी है, जो सिर्फ लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकती, सरकार को अगर जो समस्या है, बीमारी है, तो इसके अंदर सरकार को कोई समाधान ढूंढना चाहिए कि कैसे स्टूडेंटों को स्कूलों कॉलेजों के अंदर क्लासें लगाकर कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको एजुकेशन जो दी जा सकती है। जो ऑनलाइन के नाम के ऊपर ये बिल्कुल ही फंड सरकार जो कर रही है स्टूडेंटों को अनपढ़ रखने का, जो सारा ढोंग है जो सरकार जो कर रही है, और जो राजनेता हैं वो अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, अपनी वोटों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। और पिछले दिन ही रतिया के फतेहाबाद जिला के अंदर टोहाना के अंदर जो कैबिनेट मंत्री बने देवेंद्र बबली, उन्होंने बड़े बिना मास्क लगाए बड़ी बड़ी रैलियां की, और जब स्टूडेंटों की बात आती है तो सरकार अपना डंडा उनके ऊपर जो चलाने का काम करती है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतरेंगे। सरकार ने 26 तारीख तिथि निर्धारित की, अगर बढ़ा दी जाती है तो क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार ने 26 तारीख के बाद आगे लॉकडाउन की तिथि स्कूल कॉलेज संस्थान बंद करने के लिए फैसला किया, तो हम हरियाणा सदर के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन है जो करेंगे, जो हरियाणा के अंदर जितने भी स्टूडेंट नौजवान यूथ संगठन है उन सभी के साथ तालमेल बनाकर, जैसे किसान उन्हें अपना संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार के आगे अपनी बात मनवाई और जीत प्राप्त की, वैसे ही हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं ये खुलवाने के लिए हरियाणा सत्र पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे। देखा जा रहा है कि ठेके खुले हैं, राजनेता रैलियां कर रहे हैं, आखिर वहां कोरोना आ रहा नहीं आता और स्कूलों कॉलेजों में कोरोना आता है, ऐसा क्यों? ये सरकार को देखना चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए जी, कि सरकार के जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो तो अपनी रंगरलियां मनाने के लिए, अपने गलों में हार डलवाने के लिए अपना रोड शो कर रहे हैं, सैकड़ों की गिनती में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और किसी का कोई मास्क नहीं लगाया, पुलिस मौके पर मौजूद होती है, किसी का कोई चलान नहीं काटती, और अगर सरकार सड़क पर एक गरीब आदमी कोई दिहाड़ीदार बाइक पर जाता है या साइकिल पर जाता है, उसने मास्क नहीं लगाया तो उसका चलान काट देते हैं। सिर्फ ये गरीबों पर जो तानाशाही सरकार है, ये गरीबों पर जो अपना डंडा है वो चलाती है, और जो इनके अपने राजनेता हैं वो रंग रलियां मना रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे से खूब ऐश उड़ा रहे हैं, जिससे देश का बर्बाद किया जा रहा है।